सुश्रावक भाई महेश जी और भाई मनोज जी के इस निवास स्थान पर नमस्कार महामंत्र के इस महान अनुष्ठान के साथ साथ नव वर्ष को और इस अध्यात्म साधना के महान पर्व नवरात्रि को मनाया जा रहा है। बंधुओं और बहनों, मणिकांचन का अद्भुत संयोग है, आध्यात्मिक और भौतिक विकास का अद्भुत समन्वय और संगम इस परिवार में हमें देखने को मिलता है। धर्म का भौतिक विकास से विरोध नहीं रहा है। भगवान महावीर के समय में आनंद श्रावक जैसे श्रावक हुए जिनकी अथाह संपदा का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने किंतु सदैव संतुलन की बात कही कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है। ये बात चाहे आप जैन आगमों में पढ़े, उपनिषदों में पढ़े, उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। जहां पर अर्थ काम धर्म और मोक्ष के बीच में संतुलन होता है वहां पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। आप भगवद गीता जी को पढ़ें, आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मदिर्म में। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए लीक से हटकर के अर्थ किया, उन्होंने योगी राज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय है, संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। और हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, भाई महेश जी को, भाई मनोज जी को, हालांकि मैं अभी जब ये गा रहे थे देख रहा था कि इन्होंने 15 वर्ष पूर्व जब चुनाव लड़ा, पहली बार जब आए तब भी ऐसे देखा था और अब गोल्डन जुबली मना ली तभी भी ऐसे देखा। पिछले दिनों शायद 50वां जन्मदिन था ना इनका, हाँ उस समय तो पर आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम भी उपस्थित होते हैं। बंधुओं और बहनों, हालांकि पार्टी बकाया है जो अलग बात है, पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा मन की प्रसन्नता के साथ, ऐसे परिवार जब हम देखते हैं सचमुच में इससे संपूर्ण जैन शासन का गौरव बढ़ता है। और हम प्रतीक रूप में कह सकते हैं एक श्रावक को कैसा होना चाहिए, एक श्रावक को कैसे संस्कारी होना चाहिए। मैं पुनः कहूंगा धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु हमारा अध्यात्म की नींव आधारित विकास होता है, जीवन में वरदान बनता है। अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, घड़ी में सुइया 12 बजे को प्रार कर गया है और जठर अग्नि क्रोध अग्नि का भी बड़ा संबंध होता है। रास्ते में मैंने आ रहा था तो ड्राइवर से पूछा कि कार्यक्रम शुरू हो गया था, बोले महाराज जी क्या बात करें, वो तो सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया। तो सचमुच में मैं इस अवसर पर पुनः अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए यही कहूँगा, ये भाई महेश जी का परिवार, भाई मनोज जी का परिवार इसी तरह से विकास करता हुआ खूब विकास करे, खूब आगे बढ़े और खूब इसी तरह से समाज की सेवा करे। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं और बहनों, हम सबका भाग्य और सौभाग्य है हमें जैन शासन मिला, भगवान महावीर के शासन में जन्म लेने का अवसर मिला। और मैं समझता हूँ दुनिया भर में घूमता हूँ, भगवान महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है, इतना प्रैक्टिकल है, इतना रिलेवेंट है। आज दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं मानी जाती है, पहली है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की, दूसरी समस्या है हिंसा आतंकवाद की, तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और इन तीनों ही समस्याओं का अगर कहीं एक जगह समाधान मिलता है वह भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है। और उस दर्शन को हमें जन्म लेने का अवसर मिला, उसके अंदर अपेक्षा यही है उस रास्ते पे बताए हुए कदमों को हम आगे बढ़ाए और निरंतर विकास करते रहे, जीवन में अध्यात्म और संस्कारों को स्थान दें। पुनः नव वर्ष पर इस परिवार के प्रति, आप सब उपस्थित हैं इन सब के प्रति मैं मंगल की, कल्याण की कामना करता हूं, विकास की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।